जय हिंद साथियों, आज पुनः आपका स्टडी फॉर गोल्स के प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज हम लोग 20 मॉक टेस्ट करेंगे। आप लोग एग्जाम के बारे में जानेंगे कि हमें है कितना दम, आप क्रैक कर रहे हैं उसके लिए रणनीति बनाएंगे, बेहतर से बेहतर रणनीति बताएंगे। उस प्रश्नों को समझने के बाद आप लोग वन बाय वन सिंपल क्वेश्चन भी दिया गया है और मॉडरेट क्वेश्चन भी दिया गया है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं प्रश्नों से। देखिए, आपके सामने एक बहुत ही सिंपल सा सवाल है। ये प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। झारखंड राज्य में विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? आपको आपके सामने ये रहा ऑप्शन 25, 30, 32, 36। आपको इन्हीं में से आंसर देना। कमेंट बॉक्स में आप लोग जल्दी जल्दी बताएं कौन सा आंसर सही होगा इसमें। यूनिवर्सिटी, मैं यहाँ यूनिवर्सिटी बोल रहा हूँ, महाविद्यालय नहीं बोल रहा हूँ। विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? तो आपको बताते चलू कि वर्तमान समय में झारखंड इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार, लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे है उसके अनुसार झारखंड राज्य में विश्वविद्यालयों की संख्या 36 है। तो विश्वविद्यालयों की संख्या 36 है, इसमें कौन कौन से विश्वविद्यालय हैं? इसको चार देखिए। एक हो गया पहला आपका निजी विश्वविद्यालय, ठीक है, आप लोग नोट करेंगे इसको। निजी विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी हो गई? 16। सार्वजनिक विश्वविद्यालय यानी राज्य सरकार द्वारा जो मान्यता प्राप्त है सरकारी विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? 12। फिर राष्ट्रीय महत्व वाले संस्थानों की संख्या कितनी है? 5। फिर राज्य खुला विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है? 1। सेंट्रल यूनिवर्सिटी की संख्या कितनी है? 1। इसके बाद फिर निजी डीम्ड विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है? 1, जो कि बीएटी में से रहा सिर्फ। पहले 3 था जो कि वर्तमान समय में 1 सिर्फ डीम्ड विश्वविद्यालय, आप लोग याद रखेंगे इसको, ठीक है। अब आपके सामने अब रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम लोग देखते हैं साथियों। देखिए, ये भी बहुत सा सिंपल सा सवाल है। रांची कॉलेज रांची की स्थापना कब हुई थी? रांची कॉलेज रांची की स्थापना कब हुई थी? आप लोग के मन में सवाल उठ रहा होगा कि यहाँ ऑप्शन को देख के 26 है, 30 है, 2006 है, 2017 है। चूंकि रांची विश्वविद्यालय रांची की स्थापना कब हुई थी? 1960 में हुई थी। तो आप सोच रहे होंगे 1960 में रांची विश्वविद्यालय हुआ तो रांची कॉलेज का स्थापना उसके बाद हुआ होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको बताते चलूं कि रांची कॉलेज रांची में इंटर की पढ़ाई कब प्रारंभ हुई थी? 1926 में। इंटर की पढ़ाई कब हुई थी? 1926 में। और उसके बाद उसमें स्नातक की पढ़ाई कब से प्रारंभ हुई? 1946 में। 26 में इंटर की पढ़ाई, 46 में इसकी स्नातक की, और 2017 में उसको महाविद्यालय को रांची कॉलेज रांची को उत्क्रमित करते हुए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के रूप में उसको कन्वर्ट कर दिया गया। कब किया गया? 2017 में। और जब रांची विश्वविद्यालय नहीं थी, रांची विश्वविद्यालय रांची 1960 के पहले जब नहीं थी, तब वो कहां से ये अफिलिएटेड थी? रांची कॉलेज रांची बिहार से, ठीक है, आप लोग ध्यान देंगे इसको। अब फिर आपके सामने अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, झारखंड के एक स्थल से शिलालेख में प्रियंगु धेयम चतुर्विद्या अंकित है, यानी झारखंड का एक पुराण स्थल है जहां पर शिलालेख में प्रियंगु धेयम चतुर्विद्या अंकित है, यह स्थल कहां अवस्थित है? चार हजारीबाग में है, या फिर बहरनपुर में है, या तमार रांची में है, या बेनीसागर पश्चिमी सिंहभूम में है। तो आपको ये बताते चलूं कि इसका अर्थ क्या हुआ, प्रियंगु धेयम चतुर्विद्या। देखिए, प्रियंगु धेयम चतुर्विद्या यानी प्रियंगु नाम के एक व्यक्ति हैं जिन्हें चारों वेदों का ज्ञाता है। आपको कमेंट बॉक्स में करना है कि चारों कौन कौन से चार वेद हैं, ठीक है। तो ये प्रियंगु चारों वेदों का ज्ञाता है और वो शिलालेख में अंकित है। तो ये किस स्थल से प्राप्त हुआ है? ये बेनी सागर पश्चिमी सिंहभूम में, ये पूरा स्थल, ठीक है। यह भी स्थल किसमें शामिल है? राष्ट्रीय धरोहर में शामिल है। तो कल जैसा पिछले अध्याय में हमने बताया था, पिछले टेस्ट सीरीज में, कि वर्तमान समय में राष्ट्रीय धरोहरों की संख्या झारखंड राज्य में कितनी है? 14। पहले 13 थी, लास्ट में इसको गुफा को किया गया है इसी ईयर में, तो वो 14 हो गई है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में बड़ा मजेदार है और इस क्वेश्चन में लोग अक्सर लोग कंफ्यूज किया करते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अनुसार, देखिए हमने यहां क्या बोला है,
राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण मतलब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, उसके अनुसार झारखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है, कुल लंबाई कितनी है, हम यहाँ पूछ रहे हैं एनएचएआई के अनुसार। तो आपके सामने रहा ऑप्शन 3320 किलोमीटर, 3429.86 किलोमीटर, 3400 किलोमीटर, 3340 किलोमीटर। तो आपको यहाँ पर बहुत ध्यान देना है, जब प्रश्न दो तरह के पूछे जा सकते हैं, एक पूछेगा आपसे साथियों, देखिए एनएचएआई नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, जो मैंने प्रश्न पूछा है राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण इसका सुधिंदी हुआ, ठीक है, इसके अनुसार जब पूछेगा तब राष्ट्रीय राजमार्गों का किलोमीटर कितना हो जाएगा झारखंड राज्य में, और इसके अंतर्गत रोड की संख्या कितनी है, सड़कों की संख्या, ये तो किलोमीटर हुआ ना, सड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी, 31, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और फिर जब हम बात करेंगे झारखंड इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार, मैंने क्या बोला, प्रश्न दो प्रकार से पूछे जा सकते हैं, एक झारखंड इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार और एक एनएचएआई के अनुसार। तो झारखंड इकोनॉमिक सर्वे जो लेटेस्ट है उसके अनुसार यानी 22-23 के अनुसार झारखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की का किलोमीटर कितना है, झारखंड इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार लेटेस्ट रिपोर्ट कितना है, 3340 किलोमीटर, और इसके अनुसार सड़कों की संख्या कितनी है, 33, एनएचएआई के अनुसार 31, इसके अनुसार 33, और किलोमीटर में वेरिएशन है। मेरा काम था कि आप लोगों को बताना कि इसके अंतर्गत में कौन कौन सा, देखिए डाटा आंकड़े देखकर लग रहा है कि नहीं ये कैसे संभव है, बट ये सरकारी आंकड़े हैं, आप लोग दोनों आंकड़े याद रखेंगे, जैसा ऑप्शन में पूछा जाएगा उसके अनुसार आप लोग उसको सही कीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, देखिए मनरेगा से संबंधित एक बार प्रश्न पूछा गया था जेएसएससी परीक्षा में, तो उसी इसलिए राशि का कितना प्रतिशत विलंब भत्ता प्रदान की जाती है, यानी कि जो भुगतान की जाने मतलब आज की डेट में अगर भुगतान होना है, अगर मनरेगा की राशि को करने के बाद कितने दिनों में भुगतान होना है, आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी दीजिए। अगर कोई मनरेगा मजदूर कार्य करते हैं तो कार्य करने के कितने दिनों बाद उनका भुगतान किए जाने का प्रावधान है, आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और उसके बाद अगर विलंब होती है तो उसमें कितनी राशि प्रदान की जाती है, ठीक है, आप लोग ये भी ध्यान दीजिएगा कि कब ये एक्ट पारित हुआ था, क्योंकि मनरेगा एक कानून है और इसके पहले हमारे देश में कब लागू किया गया था, इसको भी आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग इसको कमेंट कीजिएगा। और मैं बताते चलो विलंब भत्ता यानी कि जब आप राशि मिलनी है, मान लिया जाए कि अगर किसी मजदूर को 1000 रुपया मिलना है, लेट्स एग्जाम्पल, ये मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ सिर्फ, तो 1000 मिलना है तो ये राशि भुगतान की जाने वाली जितना लेट होगा तो उसका अनपेड वेज यानी भुगतान की जाने वाली राशि का 0.005% उसको विलंब भत्ता के रूप में मिलेगा। कितना मिलेगा, भुगतान की जाने वाली राशि का 0.005%, ठीक है। आप लोग मनरेगा को अच्छे तरह पढ़िएगा, इससे संबंधित क्वेश्चन और भी हम सीरीज में लाते रहेंगे। और आपको बताते चलो कि मनरेगा से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था, झारखंड राज्य में पहली बार मनरेगा लोक अदालत कब लगाई गई थी, तो ये वर्ष इसका आपका सही होगा 2009 में। क्या था, मनरेगा लोक अदालत झारखंड में सबसे पहले कब लगाई गई थी, 2009 में। ये प्रीवियस एग्जामिनेशन के क्वेश्चन में आपको ये देखने को मिलेगा ये प्रश्न। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ देखिए ये भी प्रश्न बहुत अच्छा है, ये यहाँ के कल्चर से संबंधित है। जिस प्रकार देवघर पेड़ा के लिए प्रसिद्ध है, उसी प्रकार खीरमोहन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। आप जैसा कि जानते होंगे सोहराय चित्रकला और कोबर चित्रकला आप लोग सुने हैं, उसको जीआई टैग मिला है। जीआई टैग कब मिला था, कमेंट फास्ट आप लोग बताएंगे कि जीआई टैग सोहराय और कोबर चित्रकला को कब मिला था, जीआई टैग मिला था। उसी प्रकार पेड़ा को, देवघर के पेड़ा को जीआई टैग देने के लिए उसकी प्रक्रिया चल रही है। हो सकता है कि हम लोग के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी मिले कि झारखंड राज्य में
पहला तो सोहराए और गोहर को मिला था, उसके बाद दूसरा जीआई टैग हो सकता है कि देवघर का पेड़ा को मिले, इसके लिए प्रक्रियाएं चल रही है। तो उसी प्रकार खीरमोहन कहाँ किस स्तर पर प्रसिद्ध है, एक हमने ऑप्शन दिया है चौपारण, चौपारण कहाँ अवस्थित है, ये हजारीबाग में है चौपारण, हजारीबाग का ये प्रखंड है, टाटीझरिया यह भी हजारीबाग का प्रखंड है, कुड़ू यह कहाँ है लोहरदगा में, ठीक है लोहरदगा में है, बुंडू कहाँ है रांची में है। तो आपको बताते चलू खीरमोहन, खीरमोहन के लिए कौन सा स्थल प्रसिद्ध है, चौपारण जो कि हजारीबाग जिला में है। और इसके अलावा एक्स्ट्रा में आपको बताते चलो टाटीझरिया, टाटीझरिया किसके लिए फेमस है, गुलाब जामुन के लिए, किसके लिए प्रसिद्ध है गुलाब जामुन के लिए। और ये कुड़ू आप देख रहे हैं, कुड़ू किसके लिए है लेमचा के लिए, ठीक है लेमचा, लेमचा उसका नाम है, उसके लिए ये प्रसिद्ध है। और इसी प्रकार हम लोग देखेंगे खीरमोहन के लिए कौन सा स्थल प्रसिद्ध है, तो चौपारण, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं फिर, हाँ निम्नलिखित में कौन सा जलप्रपात, क्या है इसमें निम्नलिखित में कौन सा जलप्रपात 1200 पान से होकर गिरती है। 1200 पान कहने का मतलब जैसा कि आप लोग फिगर में देख रहे होंगे, देखिए एक स्टेप में मान लीजिए यहां आई, इस प्रकार आई और फिर यहां गिरी, फिर उसके बाद फिर इस तरह, मतलब इस तरह करके अलग अलग जगह में 12 श्रृंखलाओं से होकर, सोपान कहने मतलब 12 श्रृंखलाओं से होकर गुजरती है। तो कौन सा है आपको आंसर देना है, उसमें क्या हुंडरू जलप्रपात है या लावापानी जलप्रपात है या जोन्हा जलप्रपात है या बूढ़ाघाट जलप्रपात है। तो आपको बताते चलो झारखंड राज्य का सबसे बड़ा जलप्रपात, सबसे ऊंचा जलप्रपात बूढ़ाघाट जलप्रपात है, और सेकेंड में किसका स्थान है हुंडरू जलप्रपात का स्थान है, ठीक है। और हुंडरू से संबंधित प्रश्न देखिएगा, बहुत पुस्तकों में लिखी रहती है हुंडरू जलप्रपात द्वारा कितनी बिजली उत्पादन की जाती है। तो आपको बताते चलूं कि वर्तमान समय में हुंडरू जलप्रपात द्वारा किसी प्रकार का बिजली उत्पादन नहीं किया जा रहा है, हुंडरू जलप्रपात के निकट शक्ति गृह है, मतलब विद्युत प्लांट का इकाई है जो कि संरेखा जल विद्युत परियोजना के नाम से जाना जाता है, लेकिन ये हुंडरू फॉल जलप्रपात के द्वारा उसका विद्युत उत्पादन नहीं किया जाता, ठीक है अभी आप लोग ध्यान रखेंगे इसको। तो इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा कौन सा है, लावा पानी जलप्रपात जो कि 1200 पान से होकर गुजरती है। तो ये कहां पर अवस्थित है, लोहरदगा में, लोहरदगा के पेशरार प्रखंड में अवस्थित है। आप हमारी बुक देखेंगे उसमें डिटेल में इसके बारे में मिल जाएगी इसको, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बहुत अच्छा, ये करंट अफेयर से भी जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, और ये चूंकि पहली बार हुआ है इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जल निकायों की गणना में झारखंड राज्य का स्थान है, क्या है जल निकायों की गणना, मतलब पहली बार जल शक्ति मंत्रालय द्वारा इसकी गणना की गई, कब की गई वर्ष 2023 में, कि किस राज्य में कितना तालाब है कितना कुआं है, ठीक है कितने नहर हैं, इसकी गणना की गई। और इसमें तो जल निकायों का जब गणना किया गया तो उसमें हमारा झारखंड राज्य का स्थान कितना आया आपको बताना है, पांचवा दूसरा तीसरा या छठा। तो आपको बताते चलूं कि झारखंड राज्य का स्थान छठा है, ठीक है जल निकायों की गणना में झारखंड राज्य का स्थान छठा है। आप ये जानने का प्रयास करें कि वे कौन से पांच राज्य हैं, कौन से पांच राज्य हैं जो कि इसके पहले उनका स्थान आता है, ठीक है आप पुस्तक में देखेंगे और उसको नोट डाउन करेंगे तो आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। देखिए ऐसे प्रश्न चूंकि पहले पूछे जा चुके हैं इसलिए ये प्रश्न हमने बनाया है, झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण सरसद ठीक है द्वारा हाल ही में किसे प्रतिबंधित किया गया है, हाल ही में किसे प्रतिबंधित किया गया है। आप बताइए इसमें, जैसा कि आप पहले पढ़े थे थर्मोकोल को बैन किया गया था, थर्मोकोल का प्रयोग को बैन किया गया था ना यहाँ पर झारखंड राज्य में झारखंड सरकार द्वारा, तो उसी प्रकार इसमें से कौन सा चीजों को बैन किया गया है। आपका ऑप्शन है चीनी मांझा, फिर पारंपरिक चूल्हा का प्रयोग, फिर शराब, फिर उपरोक्त तीनों, बताइए आपको बताना है। तो आपको बताते चलूं जिस प्रकार थर्मोकोल को बैन किया गया था उसी प्रकार चीनी मांझा,
को बैन किया गया। चीनी मांझा यहाँ की स्थानीय भाषा में बोला जाता है। और चीनी भांझा मांझा क्या है, पतंग जो हम लोग उड़ाते हैं तो उसके जो धागे होते हैं, धागों को तेज धारदार बनाने के लिए क्या करते हैं, कुछ शीशे के चूर्ण या कुछ सिंथेटिक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो उससे जो मांझा, वही जो उसको चीनी मांझा बोलते हैं, तो उसका जो प्रयोग करते हैं शीशे का चूर्ण या फिर और भी किसी सिंथेटिक चीज का प्रयोग करते हैं, तो उसके प्रयोग हेतु जो है इसको बैन किया गया है हाल ही में। तो इसको आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिएगा, इसको ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं, चूंकि ऐसे प्रश्न पूछे जा चुके हैं तो इसलिए इस प्रश्न पूछने की भी हाल में इसकी संभावना बनती है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राणी उद्धार केंद्र अवस्थित है, प्राणी उद्धार केंद्र कहां अवस्थित है बताइए, आपको बताना है खूंटी में, रांची में, सिंहभूम में या हजारीबाग में। तो आपको बताते चलूं, प्राणी उद्धार केंद्र झारखंड राज्य के रांची जिला के ओरमांझी प्रखंड के बरवे नामक स्थान में है। कहां पर है, ओरमांझी प्रखंड के बरवे नामक स्थान में। ओरमांझी के बरवे नामक स्थान में इसका उद्देश्य क्या है प्राणी उद्धार केंद्र का? प्राणी उद्धार केंद्र का उद्देश्य है घायल हाथियों के संरक्षण हेतु, ठीक है। घायल हाथियों के संरक्षण हेतु प्राणी उद्धार केंद्र की स्थापना कहां की गई है, तो ओरमांझी में की गई है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं। हाँ देखिए, यह भी बहुत मजेदार प्रश्न है साथियों, यह लाह उत्पादन संबंधित है। झारखंड के किस जिले को लाह के रिकॉर्ड उत्पादन हेतु गिनीज, क्या है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक प्रदान किया गया था। आपको बताते चलूं कि पहले लाह उत्पादन में कौन सा ये था उत्पादक जिला, पिछले वर्ष तक कौन था, खूंटी था, लेकिन वर्तमान समय में कौन सा आ गया है, रांची, कौन सा आ गया है, रांची, इसको आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है। और ये जो प्रश्न है, झारखंड के किस जिले को लाह के रिकॉर्ड उत्पादन हेतु गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक प्रदान किया गया था, तो यह कब प्रदान किया गया था, 1976 में, ठीक है, कब किया गया था, 1976 में, और किसको किया गया था, लातेहार जिला को, किस जिला को, लातेहार जिला को। आप लोग कमेंट में करेंगे टोरी किसके लिए प्रसिद्ध है, लातेहार का टोरी नामक स्थान किसके लिए प्रसिद्ध है, आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, सब संक्षेप से, एब्रीविएशन से अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए हमने यह प्रश्न को सिलेक्ट किया है। जायका का पूर्ण नाम है, जायका का पूर्ण नाम क्या है, तो आपको बताते चलूं, जायका का पूर्ण नाम है जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी। देखिए यहां कोऑपरेशन नहीं होगा, कोऑपरेशन होगा, ठीक है, ये आपका सही आंसर है। और इसके माध्यम से कौन सी परियोजनाएं चलाई जा रही है बताना चाहूंगा आपको, इसके माध्यम से झिमडी जायका, मतलब ये तो आपकी एजेंसी हो गई ना, उसके माध्यम से झारखंड राज्य में कौन सी परियोजना चलाई जा रही है, झिमडी, जिसका संचालन किसके द्वारा किया जा रहा है, जेएसएलपीएस के द्वारा। जेएसएलपीएस क्या है, ग्रामीण विकास विभाग झारखंड सरकार की एक एजेंसी है, उसके माध्यम से झिमडी नामक परियोजना चलाई जा रही है, सॉरी यहां आई होगा झिमडी, झिमडी का फुल फॉर्म क्या होगा, झारखंड हॉर्टिकल्चर इंटेस्टिफिकेशन माइक्रो ड्रिप इरिगेशन, यानी टपक सिंचाई, सुने हैं ना आप लोग, टपक सिंचाई के द्वारा खेती, उसे ये संबंधित है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं साथियों, तिलैया जल विद्युत केंद्र की उत्पादन क्षमता है, आपको बताना है तिलैया जल विद्युत केंद्र की उत्पादन क्षमता कितनी है,
ऑप्शन है 7000 किलोवाट, 45000 किलोवाट, 4 मेगावाट या 2 मेगावाट। तो आपको बताते चलूं कि यहां 2 मेगावाट की दो इकाइयां हैं, 2 मेगावाट की दो इकाइयां हैं, ठीक है। और इसका संचालन किसके द्वारा किया जा रहा है? दामोदर घाटी निगम के द्वारा, ठीक है। तो इसका कितना हो गया? 4 मेगावाट। जिनके पास बहुत पुरानी अगर बुक होगी तो उसमें 60000 किलोवाट लिखा रहता था, तो आप लोग ध्यान देंगे कि प्रारंभ से ही इसका उत्पादन क्षमता 4 मेगावाट था और है अभी भी वर्तमान समय में, ठीक है। तो आप लोग 4 मेगावाट आप लोग ध्यान देंगे इसको, ठीक है। दो दो मेगावाट की दो इकाइयां हैं, 4 मेगावाट, और ये किसके तट पर है? बराकर नदी के तट पर अवस्थित है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये भी बहुत लोगों के लिए नया क्वेश्चन होगा साथियों, इन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम सभी को जानना चाहिए, यहाँ की कला संस्कृति को अधिक से अधिक जानने समझने का प्रयास करना चाहिए। तब आप देखेंगे कि यहाँ है संदिग्ध नाटक अकादमी, संदिग्ध नाटक अकादमी किसकी इकाई है, किसकी स्वायत्त संस्था है? कला संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार की एक स्वायत्त संस्था संदिग्ध नाटक अकादमी, उसके द्वारा छऊ नृत्य केंद्र की स्थापना की गई है। कहां पर की गई है? सरायकेला छऊ केंद्र, नटराज छऊ केंद्र, मानभूप छऊ केंद्र, चंदन क्यारी छऊ केंद्र, आपको बताना है। तो आपको बताते चलूं और एक न्यू इंफॉर्मेशन, इसकी स्थापना कब की गई थी? सरायकेला छऊ केंद्र की 1960 में, ठीक है। नटराज कला केंद्र की स्थापना कब की गई थी? 2004 में। ये कहाँ है? ये भी सरायकेला खरसावां में है। इसके सचिव कौन है? प्रभात कुमार महतो, जो कि आईपीएल मैच आपका जो हुआ था नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में, उसमें पहली बार उनके द्वारा प्रदर्शन किया गया था। फिर मानभूम छऊ केंद्र कहाँ है? ये सिल्ली में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2011 में। फिर चंदन क्यारी छऊ केंद्र, चंदन क्यारी छऊ केंद्र की स्थापना कब हुई थी? 2018 में। इसको आप लोग एकदम नोट कर लेंगे। और किसके द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है? संगीत नाटक अकादमी द्वारा, यानी केंद्र सरकार द्वारा। यह पहला राष्ट्रीय स्तर पर जो है सो छऊ केंद्र की स्थापना की गई है। किसके द्वारा? संगीत नाटक अकादमी के द्वारा। इसकी स्थापना 2018 में हुई थी, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लेंगे, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है ये। हाँ ये भी देखिए, प्रश्न है आपका वर्षा की कामना है, तो जब आप लोग देखे होंगे गांव में अक्सर चर्चा सुनते होंगे कि बारिश नहीं हो रही है, इस वर्ष फसल नहीं होगा, धान की उपज नहीं होगी, तब उसके लिए क्या करते हैं गांव में? अलग अलग तरह से कोई पूजा करते हैं, कोई नृत्य करते हैं, तो अलग अलग कल्चर है। तो हम जानेंगे सूखे से निजात पाने के लिए और वर्षा की कामना हेतु कौन सा नृत्य किया जाता है, तब आप लोग ये जान लें। लसुआ नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य किया जाता है? लसुआ नृत्य। आप लोग इसको देख सकते हैं झारखंड इकोनॉमिक सर्वे लेटेस्ट, इस बार उसमें भी ये फैक्ट्स को दिया गया, ठीक है। नौमी डोल मेला का आयोजन किया जाता है। नौमी डोल मेला का आयोजन कहां किया जाता है बताइए? बताइए, टाटी सिल्वे में, और मांझी में, रामगढ़ में, हजारीबाग में। टाटी सिल्वे कहां है? टाटी सिल्वे रांची में है, रांची में अवस्थित है। तो ये नौमी डोल मेले का आयोजन टाटी सिल्वे में ही किया जाता है, ठीक है। हाँ देखिए, यह लेखक से संबंधित है, पुस्तक एवं लेखक से संबंधित यह प्रश्न है। टेल्स ऑफ हजारीबाग, टेल्स ऑफ हजारीबाग के लेखक हैं, कौन है टेल्स ऑफ हजारीबाग के लेखक? आपके सामने रहा ऑप्शन मिहिर वत्स, विनोद कुमार राज विद्रोही, विवेकानंद झा और बुले इमाम। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो आपको बताते चलूं, टेल्स ऑफ हजारीबाग पुस्तक के लेखक है मिहिर वत्स, जिन्हें साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से सम्मानित इस वर्ष में 2022 में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से इसी पुस्तक के लिए उनको किया गया, मिहिर वत्स को, टेल्स ऑफ हजारीबाग नामक पुस्तक के लिए, ठीक है। आप लोग इसको अच्छे से देखेंगे। फिर हाँ ये बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, शायद इसका जवाब आप लोग सभी को दे पाएंगे।
झारखंड राज्य के किस महापुरुष की स्मृति में जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है? तो जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है, देखिए आपके सामने ऑप्शन है, बाबा तिलका मांझी, परमवीर अल्बर्ट एक्का, भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धो कानू। तो आपको बताते चलूं कि किसकी स्मृति मनाई जाती है। तो ये जनजातीय गौरव दिवस सबसे पहले कब मनाया जाता है आप लोग जानेंगे, जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को, ठीक है, 15 नवंबर को। और 15 नवंबर को किनका जन्म हुआ था, एक तो झारखंड राज्य हमारा अलग हुआ था, और 15 नवंबर को किनका जन्म हुआ था, भगवान बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था, ठीक है। उसी के आलोक में जनजातीय गौरव दिवस मनाई जाती है उनकी स्मृति में। और इनके नाम से एक पार्क भी बनाया गया है, जो पुराना रांची में जेल था उसको पार्क के रूप में परिणत किया गया है, ठीक है। झारखंड की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है, आप लोग भी लगता है लगभग सभी को इसका आंसर देने में सक्षम होंगे, और ये प्रश्न बार बार पूछा भी जा चुका है। तो देखिए इसमें प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना कब स्थापित की गई थी, इस वर्ष 1948 में किसकी स्थापना की गई थी, डीबीसी दामोदर वैली कॉरपोरेशन, दामोदर नदी घाटी की स्थापना की गई थी, ठीक है। तो आपका ये सही ऑप्शन हो जाएगा। हाँ देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, किनको बनाया गया है, सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का, देखिए किनको बनाया गया है, ये गुमला जिला के उपायुक्त महोदय के द्वारा उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। कौन है ऑप्शन में है आपके सामने, अष्टम उरांव, फिर अनिता महतो, फिर बबली चौबे, फिर अरुणा मिश्रा। तो आपका सही ऑप्शन है अष्टम उरांव, गुमला जिला के उपायुक्त महोदय के द्वारा इन्हें ब्रांड एम्बेसडर गुमला जिला हेतु सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे क्वेश्चन ऑफ द डे, क्वेश्चन ऑफ द डे आपको जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। तो क्वेश्चन ऑफ द डे में जाने के पहले हम यहाँ देखेंगे साथियों, देखिए ये दोनों पुस्तकें हैं, मैं हूं झारखंड एवं साथ में आपका खोटा का प्रैक्टिस सेट है और मैं हूं झारखंड पुस्तक है, दोनों यहाँ के ऐप के माध्यम से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं, इस ऐप को डाउनलोड करके आप लोग डिमांड कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया रहेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक के आधार पर भी आप लोग इस पुस्तक का डिमांड कर सकते हैं। अगर किसी रिमोट एरिया में कोई लोग रहते हैं ये पुस्तक मिलने में कठिनाई महसूस हो रही है, ये झारखंड के लगभग सभी प्रतिष्ठित दुकानों में ये अवेलेबल है, उसके बावजूद भी अगर रिमोट एरिया में किसी को दिक्कत हो रही है तो आप लोग इस ऐप के माध्यम से आप लोग इसको डिमांड कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ स्टडी फॉर गोल्स टीम के द्वारा यहाँ पर फ्री मॉक टेस्ट हर संडे को लिया जा रहा है, जिसमें पेपर 3 का इसमें 150 क्वेश्चंस का मॉक टेस्ट लिया जाएगा प्रत्येक संडे को, जो कि निःशुल्क है। आप लोग इसमें अधिक से अधिक भाग ले और अपना मूल्यांकन इसमें आप लोग करते रहे। फिर इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे, देखिए क्वेश्चन ऑफ द डे क्या कह रहा है, सोहराय एवं कोहबर चित्रकला को वर्ष 2000 में जीआई टैग मतलब क्या होता है, भौगोलिक संकेतक हिंदी में हम लोग बोलते हैं, ठीक है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, कब मिला था 2020 में, ठीक है, प्रदान किया गया था। जीआई टैग प्राप्त करने की दृष्टि से भारत में इसका स्थान कितना है, देखिए प्रथम जीआई टैग जो झारखंड राज्य के दृष्टिकोण से अगर सोहराय एवं कोहबर चित्रकला को मिला था तो झारखंड में तो रैंकिंग आप लोग जान रहे हैं, पहला जीआई टैग मिलने वाला है ये दोनों, लेकिन इसका स्थान भारत राज्य में कितना है आपको बताना है। ऑप्शन है आपके सामने 350, फिर 360, 370, 385, आपको कॉमेंट में बताना है। और जीआई टैग के बारे में और भी आप क्या जानते हैं, इसके बारे में और भी डिटेलिंग में क्या जानते हैं, ये भी आप लोग कॉमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। और साथियों इसमें और भी सीरीज को लेकर आपके सामने आते रहेंगे, आप इसी तरह अपनी तैयारी को गति प्रदान करते रहें, कंसंट्रेशन के साथ आप लोग करते रहें, मॉक टेस्ट अधिक से अधिक आप लोग लगाते रहें, ताकि आपकी सफलता आपके कदम चूमे। और भविष्य की शुभकामनाओं के साथ आपके सामने फिर हम हाजिर होंगे दोस्तों, अभी के लिए जोहार।